प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बहुचर्चित परियोजना बुलेट ट्रेन परियोजना का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी के मेगा प्रोजेक्ट के तहत भारत को जल्द ही अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने वाली है। सभी में उत्सुकता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कैसी होगी, कब से शुरू होगी और अब तक इस पर कितना काम हो चुका है। इन सभी उत्सुकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र में चल रही इस परियोजना के विकास की ताजा प्रगति साझा की है। महाराष्ट्र के मुंबई जिले स्थित घनसोली में महाराष्ट्र की मेगा बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य पूरी गति से चल रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 394 मीटर लंबी ADIT यानी अतिरिक्त रूप से संचालित मध्यवर्ती सुरंग पूरी की जा चुकी है। इससे BKC और शिल्फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन सुरंग के निर्माण में तेजी आएगी। ADIT के लिए खुदाई का काम 6 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था और महज 6 महीने की छोटी अवधि में 394 मीटर की पूरी लंबाई की खुदाई की जा चुकी है। विशेषज्ञों की देखरेख में 27,515 किलोग्राम विस्फोटकों का उपयोग करके कुल 214 नियंत्रित विस्फोट किए गए और सुरक्षित उत्खनन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय उपकरणों का भी उपयोग किया गया। 26 मीटर गहरी इंक्लाइंड ADIT न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM के माध्यम से लगभग 3.3 किलोमीटर सुरंग के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे प्रत्येक तरफ लगभग 1.6 मीटर सुरंग बनाने के लिए एक साथ पहुंच की अनुमति मिलेगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा था कि एक और ट्रेन आने वाली है, बुलेट ट्रेन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत मिशन चला था। अब बाहर से लगता है कि ये मिशन चलाना ठीक है, हवाई जहाज गया, किसी को ले आए वापस, अब कहेंगे कि क्या बड़ी बात है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मिशन के लिए कितनी तैयारी होती, इसमें कितने माने वो मैं कहूंगा स्टेज के पीछे क्या क्या किया जाता है कि इसकी तैयारी होती। एक ट्रेन और आने वाली है, बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसका जब आप देखेंगे इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा ना खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाएगी कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं, तो कौन कहाँ काम करता है, कितना समय लगता है आने जाने में, जो जमीन की कीमत बदल जाती है उसके कारण लोगों की सोच बदल जाती है कि किसी को लगता है अरे वो बहुत दूर है, फिर कहता नहीं वो तो बुलेट ट्रेन में 15 मिनट का रास्ता। तो मैं कहूंगा जब ये बुलेट ट्रेन, क्योंकि मैं दुनिया में घूम चुका हूं और मैंने अलग अलग देशों में देखा कि जब ये बुलेट ट्रेन जब आता है उसका पूरे पूरे माने एक किस्म से पूरे उसको सोसाइटी पर उसका असर क्या होता है। जब जहां भी हम जाते हैं, और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता, उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं कहते हैं अच्छा वो रेलवे स्टेशन देखो हमारे यहाँ वैसा होना चाहिए। आपको बताते चलें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना की स्वीकृत लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इस परियोजना के लिए प्रत्याशित समय सीमा और अंतिम लागत सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होने के बाद ही सुनिश्चित की जा सकती है।